गाइस कुछ इस तरह की ईद मुबारक वाली वीडियो आप किस तरह से स्टेटस वीडियो क्रिएट कर पाएंगे, सारा ट्यूटोरियल इस वीडियो में है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर में और वहाँ से एक ऐप डाउनलोड कर लेना है, ईद मुबारक DP मेकर, ठीक है। ये आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो, सभी एक काम करते हैं, सही है। उसके बाद इसको आपने ओपन कर लेना है। इसको हमने बैक पे जाएंगे तो यहाँ से इसको एक साइड करके अभी हम दोबारा ओपन करते हैं। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ईद मुबारक DP मेकर विद नेम, सही है। यहाँ से आप ये क्रिएट DP मोर ऐप्स शेयर ऐप एंड रेट अस, आपने क्रिएट DP पे क्लिक करना है और आपके सामने ये DP आ चुकी है, सही है। और यहाँ से आप अगर क्लिक करेंगे यहाँ से फ्रेम में, तो आपके सामने ये काफ़ी सारे फ्रेम्स और भी आ जाएंगे। अगर आप इंटरनेट ऑन करेंगे तो आपके सामने और भी फ्रेम्स आ जाएंगे, जैसा कि अभी हम ये वाला जो है फ्रेम काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ये वाला, तो इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। और इसे सेलेक्ट करने के बाद ये आपके सामने यहाँ पे एक पिक्चर भी आ चुकी है, ठीक है। अगर आप अपनी पिक्चर यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो अपनी गैलरी पे क्लिक करना है और गैलरी में जाना है, और यहाँ से आप जो भी अपनी पिक्चर सेलेक्ट करना चाहते हो वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ से ऐड कर लेते हैं अपनी पिक्चर, तो ये हमने अपनी फ़ोटो ऐड कर ली है। उसके बाद ये पूछ रहे हैं अपना नेम, यहाँ पे ऊपर आपने अपना नेम लिख देना है, यहाँ से जैसे मुजम्मल लिख देते हैं और यहाँ से इसको बड़ा कर लेंगे, सही। उसके बाद आपने यहाँ से फाउंट पे क्लिक करना है, कोई भी फाउंट दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे कलर है, कलर में आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, सही है। जैसे अभी ये कलर है काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, तो इस तरह से आपकी DP बन चुकी। उसके बाद आपने सेव कर देना है। बाकी काम आपने कैसे करना है, आपने जाना है पिक्सेल लैब ऐप में, और यहाँ से आप जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ऊपर 3 डॉट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से इमेज साइज पे क्लिक करके यहाँ से आपने लिखना है 9/16, यहाँ पे 9 और इस साइड में 16, 9/16 हो गया। तो ये साइज़ जो है टिकटॉक वाला साइज़ हो चुका है, सही है। उसके बाद आपने इधर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है, और जो आपने DP बनाई है उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसका साइज़ आपने थोड़ा सा छोटा रख लेना, क्योंकि जो हमने ऊपर डबल एक्सपोजर वाला इफ़ेक्ट लगाना है तो वो जब जूम होगा तो थोड़ा थोड़ा ये ख़राब ना हो हमारी वीडियो, जी ठीक है। इस तरह से आपने रख लेना है इसको। उसके बाद आपने नीचे जाना है, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कलर में, और कलर में आप बैकग्राउंड पे कोई भी कलर दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, या आप एक कलर भी यहाँ से दे सकते हैं, वरना आप डबल कलर देना चाहें तो यहाँ से आप डबल कलर यहाँ से आसानी से दे सकते हैं, या आपके पास बहुत सारे हैं आपको जो भी अच्छा लगे वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि हम अभी ये दे देंगे गुलाबी, तो इसको हमने यहाँ पर रख लिया। उसके बाद आपने इसके ऊपर टैप करना है और यहाँ से जाना स्टॉक में, इसका जितना आप स्टॉक देना चाहें स्टॉक दे सकते हैं, सही। उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है लास्ट में, शेडो वाला ऑप्शन है, शेडो आप दे सकते हैं ब्लैक, थोड़ा सा रेडिएशन कम कर देंगे। यहाँ से आपने तकरीबन 2 पे रख लेना है, टॉप 2 पे, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा इंटरफेस। उसके बाद आपने कुछ लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, वो आपने डाउनलोड PNG डाउनलोड कर लेनी है, तो उनको हमने यहाँ से ऐड कर लेना है। जो हमने PNG डाउनलोड की हैं वो हमने यहाँ पे कर लेनी है ऐड। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास ये PNG पड़ी हुई है, तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, जैसा कि इस तरह हम इसे थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये ईद मुबारक वाली है, इसके ऊपर आपने जाना है यहाँ पे कलर एसर पे करके आपने ये वाला जो है कलर इसको कट कर लेना है, ठीक है। तो अभी ये जो है आपका बलर रेडिएशन ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह आपने करके इसे आपने थोड़ा सा और छोटा करके कुछ इस तरह से आपने रख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है फिर यहाँ पे गैलरी में, और गैलरी में जाने के बाद आपने जो आपके पास ये वाली जो PNG होगी इसको आपने यहाँ से कर लेना है ऐड। तो इसके ऐड करने के बाद इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसको ऐड करने के बाद आपने कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसका कॉपी ले लेना है। कॉपी लेने के बाद इस कॉपी को भी आपने कुछ इस तरह से क्रॉप में जाएंगे, तो इसका जो है कलर
यहाँ से इस तरह से आपने रख लेना है, ठीक है। इस तरह से रखेंगे तो इसको आपने कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, कुछ इस तरह से, सही। ये जो ऊपर आ रहा है इसको आपने टू बैक कर देना है, टू बैक, तो ये बैक पे हो जाएगा। अगर आप फ्रंट पे भी रखना चाहें तो कोई बात नहीं है, सही। उसके बाद फ्रॉम गैलरी पे जाएंगे, आपने ये वाला जो है आपके पास ये वाली पीएनजी पड़ी हुई, इसको आप ऐड करके यहाँ पे रख सकते हैं, तकरीबन यहाँ पे इसको छोटा करके इसके ऊपर रख सकते हैं। जैसा कि इतनी ये अच्छी नहीं लग रही क्योंकि बैकग्राउंड पे भी हमारा पिंक कलर है और इसका भी पिंक कलर है, तो इसको जैसे हम रख देंगे ये अच्छा लग रहा है। जो भी आपको अच्छा लगे आपके कलर के हिसाब से उसको आपने यहाँ से एडजस्ट कर लेना। तो इस तरह से आपकी ये डीपी बन गई। इसको अब हम कर लेंगे सेव, यहाँ से सेव इमेज कर लेंगे, तो सेव इमेज यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। सेव इमेज हो चुकी है। उसके बाद आपने अभी जाना है कैपकट में, कैपकट में न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, जो आपने फ़ोटो ये बनाया है पीएनजी इसको आपने यहाँ से ऐड करना है, लास्ट में ये इसको डिलीट कर देना। उसके बाद इसका आपने साइज़ रख लेना तकरीबन अकॉर्डिंग 10 सेकंड, सही है, 10 सेकंड, क्योंकि हमने जो ऊपर इफेक्ट ऐड करने हैं वो 10 सेकंड के ही होने हैं, सही है। उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर दें 10 सेकंड करके, उसके बाद ऐड आवर ले पे, यहाँ पे ऐड आवर ले पे क्लिक करके यहाँ पे वीडियोस में, और आपको एक वीडियो मिलेगी दूसरा ब्लैक इफेक्ट वाली जो ये ऊपर लगती है ये वाली, ये डबल एक्सपोजर वाली। उसके बाद आपने स्प्लाइस में जाना है, यहाँ से स्लाइड कर देना है। उसके बाद इसका आवाज़ जो है वो आपने कर देनी है म्यूट, इसकी आवाज़ बंद कर देनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी वीडियो कुछ इस तरह से बन चुकी है, आगे भी आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं, इसको बढ़ा के कुछ इस तरह से आपकी ये वीडियो बनेगी। अगर आप यहाँ पे इफ़ेक्ट भी ऐड करना चाहते हैं, जैसे इफ़ेक्ट में, वीडियो इफ़ेक्ट में, तो यहाँ से ट्रेंडिंग में आपके पास काफ़ी सारे काफ़ी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, सही। जैसे हमारे पास ये वाला इफ़ेक्ट है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको यहाँ से स्पीड थोड़ी सी कम कर देंगे, स्पीड हम थोड़ी सी कम कर देंगे, कुछ इस तरह ज़्यादा भी कर सकते हैं, या फ़िल्टर थोड़ा सा कम कर देंगे, स्टिकर्स थोड़े से कम कर देंगे, ठीक है। तो इसको थोड़े से कम करने के बाद यहाँ से एडजस्ट कर लें और इसको सारी वीडियो पे यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, और इसे एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह कुछ इस तरह से हमारी वीडियो बनेगी, को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल स्टेटस हमारा लग रहा है, सही। उसके बाद आपने बैक पे आना है, वॉल्यूम पे आना है, ऑडियो पे, एक्सेस्टेड पे, यहाँ से आप किसी वीडियो का भी यहाँ से वॉल्यूम जो है वो ऐड कर सकते हैं, सही, जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ ये वॉल्यूम पड़ा है, इसको हमने ऐड कर लिया, अभी देखें। तो कमाल की हमारी वीडियो बन चुकी है। इस तरह से आप भी अपनी वीडियो बनाएं और ईद मुबारक की आपका काफ़ी ब्यूटीफुल स्टेटस बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।